हेलो फ्रेंड्स, जून का मंथ स्टार्ट हो गया और इस सीज़न में गर्मी भी तेज सी रहेगी, हालांकि मानसून भी आ ही जाएगा। तो मैं उन प्लांट्स की वीडियो शेयर करूंगी जो कि इजीली कटिंग से लगा सकते हो जून के शुरुआती दिनों में। और वो उनमें से कुछ प्लांट थोड़े महंगे होंगे, बट कुछ प्लांट एकदम सस्ते होंगे, और जो महंगे होंगे जो और जो सस्ते भी होंगे, दोनों कटिंग से इजीली लग जाएगा। तो आपको कहीं से भी ये सारी कटिंग मिलेगी तो आप ले आना, इजी टू केयर है, इजीली कटिंग से ग्रो होने वाला। तो चले फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहिन, वेलकम बैक टू माई चैनल शाहिन गार्डन एंड ब्लॉग्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो सबसे पहले मैं इस खूबसूरत से प्लांट को लूँगी। ये एग्लोनीमा प्लांट है, इसके बहुत सारे कलर्स आते हैं और सारे के सारे कलर्स और सारे के सारे वैरायटी इसके बहुत ही प्रीटी, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। आप इसके लीफ को देखो, आप इसको लीफ को जब गौर से देखोगे तो आपको लगेगा कि प्लास्टिक के, इसमें कितना सारा कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। एक वाइट है, पिंक है, हल्का ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, कितना प्यारा, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये इजीली कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है फ्रेंड्स, इसको आप इजीली लगा सकते हो, पूरे साल आपके साथ रहेगा और 40-45 डिग्री के टेम्परेचर में भी ये इजीली से ग्रो हो जाता है। तो इसको आप लगा सकते हो। देखो, मैं इसका कटिंग लाई थी, मुझे लगता है इसका कटिंग मैं 1 वीक पहले लाई थी, तो मेरे पास टाइम नहीं था उस टाइम पर, तो मैं इसको बस पानी पर रख दी और देखो अभी भी कितना फ्रेश लग रहा है। तो इसका कटिंग आप ले आएँ और आप इसको ईजिली लगा सकते हो, जैसे सॉयल मिक्सचर बनाते हो आप वैसे ही सॉयल मिक्सचर बनाना है और इसको ईजिली लगा दो। और लगाने के जस्ट बाद आप इसको शेड वाले जगह पे रखना और कुछ ही दिनों के बाद देखिएगा कि इसमें पूरा लीव से भर जाएगा। और ये जैसे मैं फर्स्ट में आपको दिखाई थी उसी तरह से ये पूरा प्लास्टिक के जैसा आपको पूरा खिला खिला दिखेगा। ये बहुत ही प्रीटी, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड्स। इसकी मिट्टी का जब तैयार करें तो वेल ड्रेन बनाना और पानी गमले पे खड़े नहीं होना चाहिए, पानी इजली ड्रेन आउट होना चाहिए। और देखें, मेरा बातों बातों में एक प्लांट रेडी हो गया, तो आप भी इसको बना लो। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा प्लांट है और इजली कटिंग से ग्रो हो जाएगा। अब मैं इसे शेडो वाले जगह में रख दूँगी। और दूसरा जो प्लांट बताऊंगी वो भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रीटी प्लांट है और बहुत ही हार्डी प्लांट है और तेज़ गर्मी को इजली बेयर कर लेता है। और ये प्लांट भी इजली कटिंग से लग जाता है। और ये खूबसूरत सा प्लांट का नाम है पेडलेंथस। और तेज़ धूप को देखो ये कितना अच्छे से रह रहा है, लेकिन हल्का हल्का मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा इसकी लीफ थोड़ी सी बर्न होना शुरू हो गई है। तो मैं इसे थोड़ा सा और शेडो में रख दी, लेकिन ये बाहर ही है, खुले में ही है और ये इजली कटिंग से लग जाता है फ्रेंड्स। इसका छोटा छोटा आप कटिंग ले लें और थोड़ा ड्राई होने का वेट करें। इसमें मिल्क टाइप का वाइट कलर का निकलता है, वो थोड़ा सा इरिटेशन होगा लेकिन फिर बाद में वो ठीक हो जाता है। तो वो छोटा छोटा कटिंग को आप सॉयल मिक्सचर में लगा दो, कुछ ही दिन के बाद उसमें लीफ आना शुरू हो जाएंगे। छोटे गमले में भी लग जाता है और बड़े गमले में भी इजली लग जाता है, लेकिन हाँ, इसका जो व्हाइट कलर का मिल्क निकलता है ना, उसको थोड़ा ड्राई होने का आप वेट करो, ड्राई हो जाएगा तो ही आप इसको सॉयल मिक्सचर में डालना। ये बहुत ही प्रीटी, बहुत ही प्यारा प्लांट है, बहुत ही अच्छा इसका ग्रोथ जब होता है ना, पूरे दोनों तरफ से जो इसका लीफ निकलता है वो बहुत ही प्यारा लगता है, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस प्लांट को भी आप इस मंथ में इजली ग्रो कर सकते हो। ये 40-45 डिग्री के टेम्परेचर में इजली ग्रो होने वाला एक वन ऑफ द बेस्ट परमानेंट प्लांट है जो आपके साथ सालों साल रहेगा। और दूसरा जो प्लांट बताऊंगी वो भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा प्लांट है। इसका नाम मैक्सिकन पिटूनिया है और ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और इसकी हाइट 4 से 6 इंच तक जाती है। तो ये छोटे गमले में भी इजली लग जाता है, ज़मीन पे ये लगा हुआ ज़मीन पे भी अच्छे से लगता है, गमले में भी अच्छे से लगता है और बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसकी जो फ्लावरिंग होती है वो 3-4 कलर में आती है, जो सारे के सारे कलर्स इसके बहुत ही अच्छे होते हैं। और ये इजी टू ग्रो प्लांट है, इजिली कटिंग से लगने वाला वन ऑफ द बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। और इसको ना बस एक्सेस वाटरिंग से बचाएं, वाटर को मेंटेन करके रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा और ज़्यादा फर्टिलाइजर की भी इसको नीड नहीं होती। और इसको आप हैंगिंग पॉट में भी लगाओगे तब भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लगेगा। ये वन ऑफ द बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है समर का। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये एक फ्लावरिंग प्लांट है। इसका नाम 4 o'clock है, इसे बहुत सारे और भी नाम से जाना जाता है, लाइक गुल्लेबाज, मैं तो इसे 4 o'clock ही बोलती हूँ क्योंकि ये बोलने में मुझे इजी लगता है। ये बहुत ही प्रीटी है, बहुत ही प्यारा प्लांट है, कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। साथ में इसके सीड भी होते हैं, सीड से भी आप ग्रो कर सकते हो और इसके बल्ब भी होते हैं उससे भी ग्रो कर सकते हो, कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसे भी आप लगा लो। ये 4 बजे इसकी फ्लावरिंग होती है और बहुत सारे कलर्स में आते हैं, सारे कलर्स इसके बहुत प्रीटी, बहुत ही खूबसूरत होते हैं फ्रेंड्स। तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है जो कि समर में इजली ग्रो हो जाएगा और अच्छे से सर्वाइव करता है तेज़ धूप में भी।
और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। खूबसूरती के साथ साथ ही इसके मेडिकल बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। ये इंसुलिन प्लांट है, इंसुलिन प्लांट के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी लीफ जो है शुगर पेशेंट के लिए काफ़ी काफ़ी यूज़फुल, काफ़ी अच्छा होता है। तो ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसे आप चाहे खूबसूरती के लिए लगाओ, चाहे हेल्थ बेनिफिट के लिए लगाओ, दोनों ही वैसे अच्छा रहेगा। तो आप इसे भी लगा सकते हो। ये भी एक परमानेंट प्लांट है और कटिंग से इजिली ग्रो हो जाता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इसकी फुल वीडियो प्रॉपर केयर प्रोपगेशन से लेकर पूरा वीडियो शेयर की हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप चेक कर लेना। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा प्लांट है फ्रेंड्स। तो इसे आप जरूर जरूर से लगाना। आप इसकी लीफ जो होते हैं वो शुगर पेशेंट के लिए काफ़ी काफ़ी अच्छे होते हैं। शुगर पेशेंट के लिए क्या, अभी तो जो इसके ऊपर वर्क हो रहा है तो उससे पता चला है कि ये और सारे बीमारियों में भी इसके लीफ काम आते हैं। तो ये आप लगाओ इसको, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा प्लांट है, एक परमानेंट प्लांट है जो आपके साथ सालों साल रहेगा। और दूसरा जो प्लांट बताऊंगी वो भी बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसका नाम डमकिन प्लांट है। ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, ऑक्सीजन रिच प्लांट होता है। इसको आप इंडोर आउटडोर दोनों में अच्छे से लगा सकते हो। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसके लीव देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, वाइट वाइट और साइड साइड में ग्रीन, और ये बहुत सारे वेराइटीज़ में भी आते हैं और ये इजिली कटिंग से ग्रो हो जाता है। देखिए इस गमले में कितने सारे ग्रो हुए हैं। तो ये आप लगा सकते हो। ये मैंने पूरे धूप में, तेज़ धूप में रखा हुआ है, तब भी देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, कितना अच्छा इसमें शाइनिंग आ रही है पत्तियों में। तो इसे आप इजली कटिंग से लगा सकते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है जो इजली समर में लग जाएगा, 40-45 टेम्परेचर में इजली ग्रो होने वाला वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है। तो इसे आप लगा दो। ये इंडोर भी बहुत अच्छे से रहता है और आउटडोर भी बहुत अच्छे से रहता है। और दूसरा जो प्लांट बताऊंगी वो भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा प्लांट है। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इसके पत्ते में कितनी शाइनिंग सी है। ये डेरेसेना प्लांट है जो कटिंग से इजली ग्रो हो जाता है और हाई टेम्परेचर को इजली बियर कर जाता है। आपको नीचे से कुछ पत्तियां सूखी सूखी रहेगी, उनको आप निकाल दो तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है और इजली कटिंग से ग्रो हो जाता है। एक गमले में स्टेम काट काट के आप उसको बुशी बना देना, जैसे कि मैं इस तरह से की हूँ। मैं यही, बारिश का टाइम आएगा तो मैं इसका स्टेम सारा, क्योंकि ये बहुत हाइट पर चला जाता है, तो इसका स्टेम काट देती हूँ और सेम हाइट का बना के रखती हूँ। तो बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत बुशी लगता है। तो इसे भी आप समर सीजन में इजली ग्रो कर सकते हो। ये हाई टेम्परेचर को इजली बियर करने वाला, कटिंग से लगने वाला, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा प्लांट है। और ये भी बहुत ही प्रीटी, बहुत ही प्यारा प्लांट है। इसका नाम फाइलोडेंड्रम प्लांट है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसके पत्ते में कितनी शाइनिंग है देखें। ये जस्ट जब ग्रो होता है ना तो इसका कलर लाइट ग्रीन रहता है, वो तो गजब का लगता है देखने में। और ये अभी डार्क ग्रीन है, तो ये बहुत ही प्यारा प्लांट है। ये रूट डिविजन से होगा, बहुत अच्छे से लगने वाला, बहुत ही ईजिली लगने वाला, ईजी टू केयर, वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है। इसको आप इंडोर भी रख सकते हो और बाहर भी अच्छे से रह जाता है और हाई टेम्परेचर को भी ईजिली बियर कर लेता है। तो वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है, इसको आप लगा सकते हो। और दूसरा जो प्लांट बताऊंगी वो भी वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है और बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है, जो पूरी गर्मी आपके साथ रहेगा। बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत सारे कलर्स में आता है, हाइब्रिड वाले भी प्यारे लगते हैं, वो तो खूबसूरत लगते ही, और ये देसी वाले हैं ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। दोनों के दोनों मेरे पास है, दोनों ही बहुत ही प्रीटी, बहुत ही खूबसूरत, कटिंग से इजिली ग्रो होने वाला वन ऑफ द बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है, जो इजिली गर्मी को बियर करता है, 40-45 टेम्परेचर में इजिली रहने वाला वन ऑफ द बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। आप इसे लगा लो तो आपकी फूलों की, आपके गार्डन में अगर फूल नहीं है तो ये इजिली आपके फूलों की कमी को पूरा करने वाला वन ऑफ द बेस्ट प्लांट होगा। और इसका नाम विंका है, मैं नाम ही बताना भूल गई। और दूसरा जो प्लांट है जो कि इजली हाई टेम्परेचर को बेयर करता है और जून के मंथ में आप लगाओगे तो इजली लग जाएगा, ये मैरेंटा प्लांट है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा प्लांट है और ये बहुत कड़ी धूप में बाहर रखा हुआ है तो कितना अच्छे से रह रहा है। हालांकि इसके कुछ लीव्स मैं देख रही हूँ कि बर्न कर रहा है, थोड़ा सा जल रहा है, तो अब मैं इसे थोड़ा शेडी एरिया में रखूँगी। लेकिन ये काफ़ी अच्छा प्लांट है, काफ़ी काफ़ी धूप में रह रहा है तब भी इसका हल्का सा सिर्फ बर्न हुआ है, तो इसे भी आप लगा सकते हो। तो दूसरा पेनवेल फ्लावर है, ये भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा एक फ्लावरिंग प्लांट है, जो इजली गर्मी में लगने वाला, कटिंग से लगने वाला वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है। और ये भी हाई हाई टेम्परेचर को इजली बेयर कर लेता है और इजली कटिंग से लग जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, ग्रीन ग्रीन के बीच में वाइट वाइट फ्लावरिंग ऑसम लगता है फ्रेंड्स। तो इसे भी आप कटिंग से इजली ग्रो कर लो, ये वन ऑफ द बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है।
और दूसरा एक्जोरियो प्लांट है, इसके बारे में क्या बोलूँ। देखिए इसकी खूबसूरती तो आप देखते ही बन जाएगा, इतना प्यारा इतना खूबसूरत प्लांट है। और ये भी इजीली कटिंग से लग जाता है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसकी भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए वाइट और पिंक मिला के लगा हुआ है, तो कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। तो इसे भी आप लगा लो कटिंग से, ये वन ऑफ द बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट होगा समर सीज़न में, पूरे समर आपको फ्लावर्स देता रहेगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा प्लांट है, तो इसको लगाना तो बनता है फ्रेंड, तो इसे आप लगा लेना। और दूसरा जो प्लांट्स है वो भी बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, मधुमालती फ्लावर्स। इसके बारे में क्या बोलूँ, स्किन में इसकी जो रात में जो खुशबू आती है ना, तो वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत लगती है। और देखिए गेट के ऊपर लटका हुआ ये ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसे भी आप लगा सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा प्लांट है और समर सीज़न का वन ऑफ द बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट में काउंट होता है। तो इसे आप लगाना चाहो तो इजीली लगा लो, आपके घर के गेट के ऊपर लगाना तो ज़्यादा प्रीटी लगेगा। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा प्लांट है, इसके बारे में क्या बोलूँ। ये तो आपको रोड साइड में हर जगह मिल जाएगा, तो बैगन बेलिया प्लांट है, इसका आप कटिंग ले लो और इजीली कटिंग से ग्रो हो जाएगा। तो इसे भी आप गमले में भी ग्रो कर सकते हो, बहुत सारे कलर्स में आते हैं, मुझे तो सबसे प्यारा यही कलर लगता है और यही देखा भी जाता है। व्हाइट कलर के आते हैं, ऑरेंज कलर के भी आजकल मैंने एक दो जगह देखा, तो बहुत ही प्रीटी प्लांट है, इसे भी आप लगा सकते हो कटिंग से। ये एक्जोरा है, लेकिन ये जो है ना बड़े, मतलब ये छोटा प्लांट नहीं, ये बहुत बड़ा बड़ा ट्री टाइप का प्लांट है, तो इसे भी आप कटिंग से इजली ग्रो कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। ये भी जब नीचे की ओर लटकता है ना गेट के ऊपर लगा हुआ, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसे भी आप लगा सकते हो। ये भी वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है समर का। और ये जो प्लांट मैं बता रही हूँ, ये भी डंपकिन प्लांट ही है, ये भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा प्लांट है, ये भी इजीली ग्रो हो जाता है कटिंग से, और ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और ये लो मेंटेनेंस प्लांट है, और पूरे गर्मी में भी देखिए, इतने तेज़ गर्मी में भी ये इतना अच्छे से ग्रीन ग्रीन, इसकी लीफ देखिए कितना खिला खिला और कितना अच्छे से एक तो लीफ ग्रो हो रहा है। तो पूरे गर्मी में दिन भर ये धूप में रहता है और कोई इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं हो रही है, तब भी इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, कितना अच्छा प्लांट है। तो इसे भी आप लगा सकते हो, समर का वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है। और दूसरा जो प्लांट बताऊंगी वो भी बहुत ही प्रीटी, बहुत ही प्यारा प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसका नाम कैलेडियम प्लांट है। और देखिए इसकी लीफ कितना प्यारा लग रहा है, इसकी सारी खूबसूरती इसके लीफ में होते हैं, और ये कड़े धूप में दिन भर रहता है, फिर भी देखिए इसके पत्ते में कितनी शाइनिंग है। तो इसे भी आप लगा सकते हो, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्रीटी प्लांट है। और ऐसे एक नहीं कहियो प्लांट है फ्रेंड्स, अगर मैं बोलना शुरू कर दूँ तो शायद 24 घंटे का वीडियो भी कम पड़ जाएगा। तो आपको इनमें से कुछ भी पसंद है तो आप कटिंग से रूट डिवीज़न करके इजी लगा सकते हो और अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। और फिलहाल मुझे दे इजाज़त, कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सब अपना बहुत सारा ध्यान रखना और मुझे दुआओं में याद रखना, और साथ साथ मेरा वीडियो लाइक करना ना भूलना, और बहुत अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कॉमेंट भी कर देना। तो फाइनल वाला बाय 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 बाय, अल्लाह हाफिज़।